जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ। क्या कर रही हो, मुझे भी तो दो थोड़ी सी। मैं नहीं दूंगी। शिफा दे दो प्लीज, मैं भी खेलूंगा प्ले डो से। मैं नहीं दूंगी। प्ले डो मुझे भी दे दो शिफा। अच्छा शिफा जी देखो इस पे क्या बैठा हुआ है। निराश क्यों होती है, तूने ये बाजार से ली है, मुझे ये बनाना आती है। अभी देख मैं तेरे सामने घर पर इसे बना कर दिखाऊंगा। अरे बड़ा बनाने वाला, बना के दिखा। फ्रेंड आपको आती है प्ले डो बनाना? देखते हैं ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देखना चाहेंगे कि किस तरह प्ले डो बनती है? तो उसके लिए हमें जो चीजों की जरूरत है, फूड कलर, साल्ट यानी नमक, कुकिंग ऑयल, पानी आपने गर्म लेना है और मैदा। चलें देखते हैं ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए। अब ये वाला कप पूरा हम मैदे का लेंगे। अच्छी तरह भर लें इसको। इसके अंदर अब हमने मैदा डाल लिया। अब इसके बाद हमने करना है, जितना हमने मैदा डाला उतना ही हमने गर्म पानी लेना है। ये उतना ही गर्म पानी है, पानी तेज गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें भर के साल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। अब हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को हमने ज्यादा डालना है, 1, 2, 3, 4 टीस्पून ऑयल डालेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। अब हम इसे करेंगे मिक्स। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, ताकि नमक इसमें हल हो जाए। अगर ये डो बन गई ना तो हमारे तो मजे ही मजे हैं। अब इसको बनाने का तरीका इनको करते हैं साइड पर। थोड़ा थोड़ा हमने ये डालना है इसके अंदर। हाथों से ज्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा। अगर आपके हाथ पर ज्यादा चिपके तो हल्का सा आप ऑयल भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं बनती जा रही है। अब थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर ऐसे छिड़कना है। देखें आप कितनी अच्छी तैयार हुई है, और पानी की मिकदार थोड़ी सी कम रखना, ज्यादा मत डालना पानी। अच्छा ये बन चुकी है, मैं अपने हैंड वॉश करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लेट सूखे ना, तो आपको इस तरह का कोई शापर लेना है, उसके अंदर डाल देनी है। और रबर बैंड इसके ऊपर बांध दे, ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाए। अगर इसके अंदर हवा चली गई तो ये सूख जाएगी।
हो सके तो इसको प्लेडो को बनने के थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है। सख्त होने से चीजें अच्छी बनती हैं। चलो इसे फ्लावर बनाते हैं। थोड़ी सी प्लेडो लेके इसको हम बॉल की शेप दे देते हैं, ऐसे करके फिर आपने ऐसे को करना है। तो इस तरह के हमें एट चाहिए, ये मैंने पहले से बनाकर रखे हुए थे। हमें इसको उठाकर फोल्ड करना है। हमने ये रोल बना लिया। अब इसको, ये जो हमने बनाया था, इसको इसके साइड पर रखेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे। तो दूसरी साइड पर भी हमें इसी तरह प्रेस करना है। तो अभी लास्ट है, पत्ते बनाने के लिए हमें इस तरह की शेप देने, फिर नाखून से ऐसे ऐसे करना है। इससे मुख्तलिफ खिलौने बना सकते हैं, हम खेल सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा फन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए ना तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पर भी आप क्लिक कर देना। जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। बाय।